क्या आपने कभी सोचा है कि हम गंगा में जाकर क्यों नहाते हैं? आखिर क्यों गंगा में नहाना एक रिचुअल माना जाता है? क्या सच में गंगा में नहाने से हमारे सारे पुराने पाप धुल जाते हैं, या इसके पीछे भी कुछ साइंस है? गंगा जो है मुक्ति भी देने वाली है, भक्ति भी देने वाली हर प्रकार से ये। One of the mightiest rivers in the world. गंगा इतिहास का एक हिस्सा है जिसकी अपनी ही दुनिया है। Oh dear Jesus. You can smell it. जहाँ पर ये सारा pollution flows from here straight into the river Ganges. Millions of liters of toxic wastewater were being released into the Ganga every day. Why are Indians doing this to the Ganges? Welcome back to my channel again. तो आज का टॉपिक आपको इंट्रो से पता चल ही गया होगा। ऐसे ट्रेडिशंस के पीछे की साइंस जानने के लिए सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो ला सकूं। अब बैक टू द टॉपिक, क्यों कहा जाता है हमें कि हमें अपने लाइफ टाइम में एक बार गंगा में डुबकी जरूर लगानी चाहिए? क्या गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप जो हमने पहले किए हैं वो सब माफ हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी के बुरे कर्म या अच्छे कर्म डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल ओनली। गंगा के पानी में नहाने से कोई पुराने किए हुए पाप नहीं धुलते हैं। अब यार आप इसको एक एग्जांपल से समझो, तो कोई एक पर्सन है, उसे मान लो कोई क्राइम किया है एंड एट प्रेजेंट वो जेल में है, और उसको कहा जाए कि भाई जाओ गंगा के पानी में डुबकी मार के आओ और तुम्हारे सारे पुराने बुरे कर्म माफ हो जाएंगे। उसके लिए बुरे कर्म माफ होने का मतलब हुआ कि वो जेल से छूट जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं कि वो गंगा में जाएगा, डुबकी मार के आएगा एंड उसके बाद वो जेल से बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो अब सवाल आया कि ऐसा क्यों माना जाता है कि हमें गंगा में डुबकी लगानी चाहिए? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले गंगा का ओरिजिन देखते हैं कि गंगा गंगा कैसे बनी। गंगा है क्या? गंगा हमारी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एंड हमारी नेशनल रिवर। गंगा स्टार्ट होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख इन द हिमालयस। काफी सारे ट्रिब्यूटरीज को कंबाइन करके गंगा अराउंड 2525 किलोमीटर का पाथ कवर करती है एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज कर जाती है। मिलियंस ऑफ पीपल गंगा को मोस्ट होली रिवर मानते हैं एंड रिगार्डेड एज द गंगा मां। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी गंगा इज द डॉटर ऑफ ब्रह्मा एंड गंगा शिव जी की चटाओं से बहती है। एंड सब काफी सारी एंशियंट स्टोरीज की वजह से हम गंगा को एज गंगा माँ ट्रीट करते हैं एंड उन्हें हर दिन पूछते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हमारा गंगा में डुबकी लगाना ये रिचुअल कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? ऐसा क्या है गंगा के पानी में जो हमारे एंसेस्टर्स को ये एक रिचुअल बनाना पड़ा जिससे हम गंगा के टच में रहे? बहुत सारी स्टडीज की गई, काफी टाइम तक ये सारी स्टडीज चली। एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैनबरी हैंकिंग ने अपनी रिसर्च में फर्स्ट टाइम मेंशन किया बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ऑफ द वाटर्स ऑफ गंगा एंड जमुना ऑन कोलेरा माइक्रोब्स। ये रिसर्च शुरू ही कोलेरा के थ्रू हुई थी। कोलेरा है क्या? कोलेरा एक एक्टिव डायरियल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय द इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कोलेरा एक इंडिविजुअल को विद इन आवर्स डेड कर सकती है अगर उसे सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ईच ईयर वर्ल्ड वाइड में 1.3 टू 4 मिलियन केसेस कोलेरा के अकेले आते हैं। जब हैंकिंग गंगा पे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारी चीजें नोटिस की, जस्ट आज के इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड बॉडीज, एशेज ऑफ दैट डेड बॉडीज, लोगों के नहाने से जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज वाटर में फ्लो हुए, इन सब चीजों के गंगा में होने के बावजूद भी कभी भी नेटिव पॉपुलेशन में कोलेरा के इतने केसेस नहीं आए, जबकि इतना सारा कॉन्टामिनेशन गंगा में ऑलरेडी फ्लोड है। तो इसलिए हैंकिन गंगा में इंटरेस्टेड हुए। हर जगह से उन्होंने सैंपल लिए, उन्हें एग्जामिन किया वेरियस टेस्ट के थ्रू, उन्हें बहुत अच्छे से उन पर स्टडी की गई एंड एन अननोन एंटीसेप्टिक सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड जो अलग अलग बैक्टीरियाज को किल कर रहा था। 1895 में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था अलाहाबाद में, जिसमें यह कहा गया कि गंगा एंड यमुना रिवर नेवर कॉन्ट्रैक्टेड कोलेरा बाय ड्रिंकिंग दीज वाटर्स अनलाइक द अदर कोलेरा कॉजिंग वाटर पॉपिंग। यानी कि गंगा और यमुना का पानी पीने वाले लोगों में इतने कोलेरा के केसेस नहीं देखे गए एज कम्पेयर टू अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। हैंकिन ने अपने रिसर्च से कंक्लूजन निकाला कि अनबॉइल्ड वाटर ऑफ गंगा कैन किल द कोलेरा जर्म इन लेस देन 3 आवर्स। यानी कि गंगा वाटर में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कोलेरा के बैक्टीरियाज को किल कर रहे थे एंड लेटर ऑन दीज सब्सटेंसेस वर टर्म्ड एज बैक्टीरियोफेज। More than 100 years ago, the French scientist Félix Derelle identified bacteriophages. Bacteriophage, which are viruses that only attack bacteria, they don't attack humans. Bacteriophage ऐसे viruses हैं जो bacteria को ही खाते हैं। Bacteriophages ना तो मरे हुए हैं ना ही जिंदा है। बैक्टीरियोफेजेस हमारी हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज में है। इवन आपके हाथों पे भी एट प्रेजेंट बिलियंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस हैं। इन योर आईलिड्स, इन योर स्टमक, एवरीवेयर फेजेस आर वेरी स्पेसिफिक। यानी कि पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज और यू कैन से फेज एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही टारगेट करता है।
उसी को वो अपना होस्ट मानेगा, उसी पे वो सर्वाइव करेगा एंड देन अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा एंड देन वापस से यही प्रोसेस चलता रहेगा। फेजेस हर जगह पाए जाते हैं बेसिकली, लेकिन द क्वांटिटी ऑफ दीज आर क्वाइट हाई इन गंगा एंड यमुना। इसलिए ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड बॉडीज का ऐश, कोलेरा का ना फैलना इसी बैक्टीरियोफेज की वजह से है, जिसकी वजह से गंगा में ये सब इजिली डिकम्पोज हो जाता है एंड दैट्स व्हाई हम अस्थियों को गंगा में ही बहाते हैं ताकि वो प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाएं ड्यू टू दीज बैक्टीरियोफेज। एंड अब अगर नहाने का एस्पेक्ट देखें तो हमारी बॉडी पे काफी सारे बैक्टीरियाज एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आ जाते हैं एंड गंगा में नहाना मतलब बैक्टीरियोफेजेस के कॉन्टेक्ट में आना, जिसका मतलब है कि उन बैक्टीरिया को खत्म करना। दैट्स वाई हम काफी बार बीमार इंसान को गंगा का पानी पिलाते हैं। ये आपने देखा भी होगा, किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम गंगा जल छिड़कते हैं पूरे घर में, जिससे घर की शुद्धि हो जाए। उसका रीजन भी बैक्टीरियोफेजेस है। लेकिन ये सब चीजें आज के सिनेरियो से बिल्कुल उल्टी हैं। एट प्रेजेंट गंगा इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड्स का यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों ने मिला के गंगा को इतना पॉल्यूटेड बना दिया है कि जैसे जैसे गंगा नीचे आती जाती है वो अपने साथ साथ उतनी ही डेडली डिसीज लेके आती है। स्ट्रेचेज ऑफ ओवर 600 किलोमीटर वर एसेंशियली डिक्लेयर्ड एज अ डेड जोन इंक्लूडिंग वाराणसी। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप्स भी उठाए गंगा को साफ करने के लिए, गंगा एक्शन प्लान चलाया गया ताकि गंगा को साफ किया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। इन 2008 नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई ताकि सब चीजें वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक अथॉरिटी के अंडर। अगेन इन जुलाई 2014 एक और प्रोजेक्ट नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा एंड इस सर्च का टाइम धीरे धीरे गवर्नमेंट अब एक्सटेंड कर रही है, बट द रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच बट क्वाइट पॉजिटिव। रिसेंट स्टडी बाय ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेज दैट द रिवर इज फुल ऑफ किलर पॉल्यूटेंट्स दैट दोज लिविंग ऑन इट्स बैंक्स आर मोस्ट प्रोन टू द कैंसर देन एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। रिसर्चेस कंडक्ट की गई और ये सामने आया कि वेरियस हैवी मेटल्स एंड लीथल केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द वाटर जो कि कैंसर कॉजिंग। Some people think that there is nothing unhealthy about the Ganga water, but there is. It's not just unsafe, it is dangerous and life-threatening. As the part of our nation, हमारी responsibility बनती है कि अगर हम अपने आसपास लोगों को जागरूक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपके आसपास अगर कोई रिवर है तो उसे साफ रखें। अब आपके ओपिनियंस मैं कमेंट सेक्शन में चाहती हूँ कि आप ब्लीचिंग को प्रैक्टिस करेंगे या करंट सिचुएशन को समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सजेशन आर वेलकम। बाय।